घिया यानी लौकी की सब्जी कोई कोई ही पसंद करता है, लेकिन इस तरीके से बनाएगा तो हर कोई पसंद करेगा इस सब्जी तो। देखिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो घिया ली है, धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर। तो देखिए इनको अच्छे से काट लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक छेलर की मदद से घिया को छोल कर इसे काट लेंगे अपने हिसाब से, जैसे भी बारीक मोटा जैसे भी काटना है। तो देखिए इसको इस तरीके से काट लूँगी मैं, जैसे काटते हैं घिया को। और आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए घिया की सब्जी, इसे हर कोई पसंद करेगा और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। 10 मिनट में इस सब्जी को बनाया मैंने, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से काट लिया सभी वेजिटेबल्स को, और यहाँ पर देखिए मिर्च और लहसुन, अदरक और जीरा डाला मैंने। इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर रखा है एक, और उसमें सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने प्याज डाल दिया है जो बारीक चॉप किया था। तो इसे भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, और जो पेस्ट बनाया है ये अदरक लहसुन जीरा ये भी डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से पकने देंगे गोल्डन ब्राउन आने तक। तो ये देखिए अच्छा पक गया है प्याज और लहसुन, और इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है। तो टमाटर में स्वाद के अकॉर्डिंग है जो नमक डाल लेंगे सब्जी के हिसाब से, और इसे 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था मैंने, वो यही पानी है। मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला आधा टी स्पून, मिर्च पाउडर आधा टी स्पून, धनिया पाउडर आधा टी स्पून, और ये देखिए एक घोल बना लिया मैंने इसका। और अब टमाटर हैं जो ये भी अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। और ये जो मसाले हैं ये इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर पानी है जो मैंने आधी कटोरी का ही यूज किया है, अब इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो मसाले हैं जो अच्छे से पक गए हैं, 2 मिनट के लिए इनको पका लिया था। और घिया है जो ये डाल दी है मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब कुकर का ढक्कन है जो बंद करके इसमें 3 सीटी लगवाएंगे, 3 सीटी में ही अच्छे से गल जाएगी। और ये देखिए मैंने हल्का सा पानी और डाला है, क्योंकि इस कटोरी में मसाले लगे हुए थे, बस मैंने आधा कटोरी ही पानी डाला है इसके अंदर। और ये देखिए 8 से 10 मिनट बाद सब्जी हमारी है जो बनकर एकदम से तैयार है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने हल्का हल्का इसको दबा दिया है ताकि अच्छे से और गाढ़ी हो जाए। तो आप इस तरीके से इस घिया की सब्जी को ज़रूर बनाइए, जिसको नहीं पसंद वो भी इसे बहुत ही चाव से खाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो मसालेदार सब्जी। तो इसमें अब हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। छोटा सा वीडियो है, ये पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।